क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डेड है और आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने फॉलोअर्स और रीच को बढ़ाने के लिए? मैं भी 2020 में इसी सिचुएशन में था, एक से डेढ़ साल तक, बट फिर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे एक महीने में 20,000 फॉलोअर्स गेन किए और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और पर्सनल ब्रांड को डेवलप किया। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली अभी 1,75,000 फॉलोअर्स को गेन किया इंस्टाग्राम पे। इस वीडियो में मैं आपको मेरा 5 स्टेप फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जिससे आप अपने ऑडियंस को अच्छे से समझोगे, अपने कॉन्टेंट गेम को इम्प्रूव करोगे और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की रीच और फॉलोअर्स को इंक्रीज करोगे। अगर आप भी अपने डेड इंस्टाग्राम अकाउंट को रिवाइव करना चाहते हो विद दिस 5 प्रूवन स्टेप्स, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मुझे एक फेवर करो तो ड्रॉप अ लाइक डाउन बिलो, ये आपके लिए फ्री है बट ये चैनल को सपोर्ट करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप भी कभी ऐसा फील करते हो कि बस कुछ भी पोस्ट कर दो इंस्टाग्राम पे विदाउट एनी रियल रीजन बिहाइंड इट? स्टार्ट में शायद आपके पास एक क्लियर विजन था बट धीरे धीरे वो विजन अनक्लियर होने लगा, या शायद आप कंसिस्टेंट थे अपने अपलोड करने में लेकिन फिर लॉन्ग ब्रेक्स ले लिए ड्यू टू पर्सनल रीजंस जिससे आपका अकाउंट साइडलाइन हो गया। हम अपनी वैल्यू को जज करना स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन दीज मेट्रिक्स लाइक फॉलोअर्स एंड लाइक्स, फॉरगेटिंग व्हाई वी स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया वो सिर्फ मेरी फोटोग्राफी जर्नी के लिए था। मैं एक एमेच्योर था और सीख रहा था द स्किल ऑफ फोटोग्राफी, पर जैसे जैसे मैं सीरियसली ट्रैवल फोटोग्राफी में डाइव करता गया मैं ग्रो करने लगा पर्सनली एंड प्रोफेशनली। बट एक ऐसा टाइम आया कि मैं एक से डेढ़ साल तक ग्रो नहीं कर रहा था, ट्रेंड्स को फॉलो करने लगा विदाउट फॉलोइंग माय इंट्यूशन। कुछ महीने तो ऐसे थे कि जिनमें मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, और जब रील्स लॉन्च हुआ 2020 में मैंने थोड़ा हेजिटेट किया। मैं खुद को क्वेश्चन करता था कि क्या ये मेरे फोटोग्राफी नीश के साथ मैच करेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे होराइजंस को एक्सपांड करूं, क्यों ना मैं मेरी ऑडियंस को मेरे फोटोज और रील्स दोनों से एंटरटेन और इंस्पायर करूं। एज अ हाइब्रिड क्रिएटर जो फोटोज वीडियोस दोनों शूट करता है, मैं किसी भी लेबल से रेस्ट्रिक्टेड फील नहीं करता। मैं वो पोस्ट करता हूं जो मुझे पसंद है मेरे ब्रॉड नीश में रहकर। अगर आप कभी लॉस्ट फील कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लेके, तो खुद को ये क्वेश्चंस पूछो। व्हाई डिड आई ओरिजिनली जॉइन इंस्टाग्राम? इज दैट रीजन स्टिल रिलेवेंट टुडे? व्हाई डू आई वांट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम? इज इट फॉलोअर्स, मनी, फेम और प्रमोटिंग माय बिजनेस? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू डज माय कंटेंट ऑफर? एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंस्पिरेशन? डू यू पर्सनली बिलीव इन दिस वैल्यू? जितना आप ऑनेस्ट रहोगे उतना आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा टू क्रिएट कंटेंट दैट helps you grow। चाहे आपको फेम चाहिए, पैसा चाहिए या आपको बिजनेस को ग्रो करना हो, ये फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट बी क्लियर विथ योर गोल्स एंड इंटेंशन। जितना आप ऑथेंटिक रहोगे इंस्टाग्राम पर उतना आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी। एक बार आपने अपने गोल्स को रीवैल्यूएट कर दिया, टाइम टू लेवल अप योर कॉन्टेंट आइडियाज। हर क्रिएटर को एक क्रिएटिव ब्लॉक फील होता है एट सम पॉइंट इन दैट जर्नी, बट अगर आपको पेज का रीच बढ़ाना हो तो आपको अपने कॉन्टेंट आइडियाज को लेवल अप करना पड़ेगा। आपका कॉन्टेंट आइडिया और एग्जीक्यूशन डिटरमाइन करेगा कि आपका वो कॉन्टेंट वायरल जाएगा कि नहीं। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता हूँ जिससे आपके पास वायरल आइडियाज हमेशा रहेगी। आपको 5 से 8 क्रिएटर्स को चूज करना है जिनका कंटेंट आपको बहुत पसंद आता है। मेक श्योर इसमें से थोड़े क्रिएटर्स आपके नीश के हो और थोड़े आपके नीश के बाहर के हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा नीश ट्रैवल है तो ट्रैवल क्रिएटर्स तो मेरे नीश में है ही, बट मैं कुकिंग और लाइफस्टाइल क्रिएटर्स के भी कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ टू गेट सम फ्रेश आइडियाज फॉर माय कंटेंट। आपको उनके फीड के लास्ट 15 कंटेंट पीसेस को स्टडी करना है। इट कैन बी कैरोसेल पोस्ट और रील्स। फिर आपको उनके हाई परफॉर्मिंग कंटेंट को आइडेंटिफाई करना है और फिर एनालाइज करना है कि वो कंटेंट पे इतना ज्यादा एंगेजमेंट क्यों है एज कम्पेयर टू देर अदर कॉन्टेंट पीसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्रिएटर के रील्स में एवरेज व्यूज 5,000 है और कोई एक रील में 1,00,000 व्यूज है, मतलब वो हाई परफॉर्मिंग रील है। अब वो हाई परफॉर्मिंग कॉन्टेंट के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं: शूटिंग, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, फॉन्ट्स, एंटरटेनमेंट वैल्यू, एस्थेटिक्स, ट्रेंडिंग ऑडियो एक्सेट्रा। आपको उस सारे क्रिएटर्स के हाई परफॉर्मिंग कॉन्टेंट में से कुछ एलिमेंट्स को अपने कॉन्टेंट में इंक्लूड करना है विथ योर ओन यूनिक परस्पेक्टिव। आप खुद से पूछो कि मैं इस आइडिया को एलिवेट कैसे कर सकता हूँ मेरे ही नीश में रहकर। आप जितना ऑब्जर्व, इंस्पायर और इनोवेट करोगे अपने ही कंटेंट आइडियाज में, उतना आपके ओवरऑल पेज को बेनिफिट होगा, बिकॉज आपके कंटेंट को हाई एंगेजमेंट मिलने का चांस है और आप बाकी क्रिएटर से स्टैंड आउट करोगे अपने ही नीश में। एक बार आपने कंटेंट आइडियाज को लेवल अप कर दिया, इट्स टाइम टू गो हार्ड ऑन रील्स। 2023 में अगर आपको ऑर्गेनिकली फास्ट ग्रो करना है तो रील्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यस, इंस्टाग्राम का सीईओ अभी भी कहता है कि वो फोटोज को प्रमोट कर रहा है ऐप पे, बट मुझे और आपको पता है कि वीडियो इज द फ्यूचर और उनका कोर इंटरेस्ट रील्स को ग्रो करने में ही है, बिकॉज यूजर्स रील्स ज्यादा यूज करते हैं और उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है। रिसेंटली मैंने एक चैलेंज लिया ऑफ अपलोडिंग 30 रील्स इन 30 डेज, एंड गेस व्हाट, मैंने गेन किया 31,000 फॉलोअर्स इन जस्ट 1 month। दैट इज इनसेन। इससे मेरे अकाउंट और ब्रांड वैल्यू को काफी बूस्ट मिला। द गोल हियर इज नॉट कंसिस्टेंसी बट इट्स इंटेंशनल कंसिस्टेंसी। मैंने रोज एक रील अपलोड किया विद पर्पस एंड डेडिकेशन। मैंने बहुत बार सुना है कि क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। इट इज पार्शियली ट्रू जब आप बहुत सक्सेसफुल हो अपने फील्ड में, बट मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, द पैरेबल ऑफ द पॉटरी क्लास। एक क्लास में स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड
डिवाइड किया। ग्रुप ए को एक परफेक्ट पॉट बनाना था इन 30 डेज और ग्रुप बी को रोज एक पॉट बनाना था। एंड में किसका पॉट बेटर बना होगा? आंसर है ग्रुप बी, जो रोज एक पॉट बनाता था। उनके पॉट्स बेटर थे इन क्वालिटी देन ग्रुप ए, जिनको खाली एक ही पॉट बनाना था फॉर 30 डेज। इसका टेक अवे ये है कि क्वांटिटी व्हेन डन विद इंटेंशन एंड कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज लीड टू क्वालिटी, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो। अगर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए कि वो 30 डेज में मैंने ऐसा क्या किया जिससे एक महीने में मैंने 31,000 फॉलोअर्स को गेन किया, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप सीरियस हो इंस्टाग्राम रील्स को मास्टर करने के लिए और इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए, तो आप सबके लिए एक स्पेशल न्यूज है। आपने नोटिस किया होगा कि ये वीडियो मेरा बहुत लेट आया होगा, बिकॉज मैं पिछले 6 महीने से एक कोर्स को डिटेल में बना रहा हूँ ऑन मास्टरिंग रील्स। इसमें अब तक मुझे जो भी आता है, मैंने जो भी सीखा है और मैंने जितना भी ग्रो किया है, उन सबकी स्ट्रेटेजीज, फ्रेमवर्क, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम आइडिएटिंग, फिल्मिंग, एडिटिंग टू अपलोडिंग, ये सब पे डिटेल में मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगा। ट्रस्ट मी, ये कोर्स एक गेम चेंजर होगा आप सबके लिए। आपको बस मेरे वेटलिस्ट को ज्वाइन करना है, बिकॉज जब भी मेरा कोर्स लॉन्च होगा आप सबको सबसे पहले नोटिफाई होगा एट डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वेटलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हाई परफॉर्मिंग कंटेंट को क्रिएट करना हो तो आपको अपने ऑडियंस को समझना होगा। एक सिंपल ट्रूथ, लोग वो कंटेंट देखना चाहते हैं जो उनको एंटरटेन करे, एजुकेट करे या इंस्पायर करे। लेट्स ब्रेक इट डाउन। एंटरटेनमेंट, सबको अपनी डेली लाइफ से एस्केप करना होता है व्हेन दे स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया। उन्हें वो कंटेंट पसंद आता है जो लाइट हार्टेड हो, जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रिलीज हो। इंस्टाग्राम पे मेजॉरिटी एंटरटेनमेंट कंटेंट सबसे ज्यादा वायरल होता है। चाहे आप कोई भी नीश में हो, आप थोड़ा एंटरटेनमेंट या रिलेटेबल फैक्टर को इंक्लूड करो जिससे आपका कंटेंट ज्यादा शेयरेबल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरा ट्रैवल और लाइफस्टाइल कंटेंट एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ही आता है, बिकॉज लोग ऑफिस में पूरा दिन काम करके उनको एक डिजिटल एस्केप चाहिए, जो मेरी विजुअली ब्यूटीफुल ट्रैवल रिलेटेड रील्स काम करती है। एजुकेशन, जिस कंटेंट में नॉलेज और ट्यूटोरियल्स होता है वो कंटेंट लोगों को ज्यादा वैल्यूएबल लगता है। अगर आप अपने नीश में कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो वो कंटेंट हाईली शेयरेबल और सेवेबल होगा। अगर मैं एक क्विक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं ऑन हाउ टू शूट मिल्क वे गैलेक्सी ऑन फोन, तो वो लोगों को काफी वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग लगेगा। इंस्पिरेशन, ऐसा कंटेंट जो मोटिवेट करे या अपनी पर्सनल स्टोरी को शेयर करे, उन क्रिएटर्स के साथ ऑडियंस डीपली कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी पर्सनल जर्नी को शेयर कर सकते हो, शोइंग योर स्ट्रगल्स एंड हाउ यू ओवरकेम दैट। एक प्रो टिप, अगर आप इन 3 एलिमेंट्स में से कोई भी 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे तो आपका कंटेंट वायरल जा सकता है। मेरी रीसेंट वायरल रील जिसको 25 मिलियन प्लस व्यूज मिला है, वो दोनों एंटरटेनमेंट और एजुकेशन एलिमेंट्स को फुलफिल करता है। ये एक वॉइस ओवर रील था ऑन 7 places to visit in Kerala from July to October. इसमें entertainment के form में मेरी beautiful visual clips और text animation था, और इसमें मैं जो places को recommend कर रहा हूँ उससे ये informative reel बन जाती। इस reel को 8 lakh plus shares मिले और 4 lakhs plus saves मिले। दूसरा prime example है finance with Sharan. वो boring finance knowledge को humorous sketch के साथ present करता है। इस एक strategy के वजह से he grew to 1 million followers in just 1 year. आप भी जितना 2 elements को combine करोगे अपने reel या carousel post में, उतना आपका content highly shareable और saveable। मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट वर्थ अ शॉट पे एवरी संडे कोई भी 3 क्रिएटर्स को शाउट आउट देता हूँ। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे कमेंट्स में लिखो, मैं आप में से कोई भी 3 क्रिएटर्स को शाउट आउट दूंगा इस संडे जिसका भी काम मुझे पसंद आया। आपको अपने नीश के लाइक माइंडेड क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करना है। अब इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन का फीचर आया है जहाँ पे आप अप टू 3 क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट उन 3 क्रिएटर्स के फीड में आएगा, आपका एंगेजमेंट तो बढ़ेगा ही बट आपके कंटेंट को नई विजिबिलिटी मिलेगी, और अगर लोगों को आपका काम पसंद आया तो वो आपको फॉलो भी कर सकते हैं। आपको अपने नीच के सिमिलर लेवल क्रिएटर्स के कंटेंट के साथ एंगेज करना है इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स एंड शेयर्स, बिकॉज ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है टू रेसिप्रोकेट द लव एंड अप्रिसिएशन। वो भी फिर आपके कंटेंट में एंगेज करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जब कुछ नया अपलोड करते हो, जितना ज्यादा इनिशियल एंगेजमेंट होगा आपके कंटेंट में, उतना इंस्टाग्राम को सिग्नल मिलेगा और वो और लोगों को दिखाएगा। याद रखना, इंस्टाग्राम इज अ प्लेस ऑफ कोलैबोरेशन एंड नॉट कंपटीशन। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो कमेंट करो इंस्टाग्राम ग्रोथ, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों ने एंड तक ये वीडियो को देखा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरे कोर्स का वेटलिस्ट को ज्वाइन जरूर करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इन 5-स्टेप फ्रेमवर्क से आपने अपने डेड इंस्टाग्राम अकाउंट को रिवाइव तो कर लिया, बट अगर आपके पास अच्छे रील आइडियाज नहीं है तो आपका कंटेंट कभी वायरल नहीं जाएगा। मैंने इस वीडियो में 50 रील आइडियाज को शेयर किया है फॉर हाई क्वालिटी रील्स। क्लिक हियर टू वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।